हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकंडरी के लिए लिंग विज्ञान और समाज के टॉपिक है अक्षमता और अक्षेत्रता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे डिसेबिलिटी क्या होता है। डिसेबिलिटी जन्म से या जन्म के बाद बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिसके द्वारा विकलांगता की स्थिति आ जाती है। ये मानसिक रूप से भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है, सामाजिक रूप से भी हो सकती है। इसके बहुत सारे रूप हैं। तो किसी भी तरीके से ऐसा पिछड़ापन जिससे जो भी कोई व्यक्ति है किसी नॉर्मल व्यक्ति के जैसा ना हो उसे अक्षमता कहा जाता है। अक्षेत्रता क्या होती है? अक्षेत्रता में क्या होता है जिसमें किसी ऐसे भूखंड की बात की जाती है, किसी ऐसे क्षेत्र की, किसी ऐसे एरिए की बात की जाती है जिसमें निवास करने वालों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन के आधार पर में एक दूसरे से मेल खाते हों। तो इसके बारे में हमने क्षेत्रता और अक्षमता की समानता जो है इसकी आवश्यकता बारे में डिस्कस किया था, परंतु इसकी समानता में बाधक तत्व क्या है आज हम इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले इसकी हमारी जो है क्षमता है और अक्षमता है इसके रास्ते में सबसे पहले और सबसे मेजर जो आपको है बाधक तत्व वो है हमारी वित्तीय समस्या, यानी कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शासन की ओर से आने वाली फंडिंग प्रॉब्लम सबसे पहली समस्या है। सबसे पहला बाधक तत्व है वित्तीय समस्या। इसमें क्या होता है, जब 2001 की जनगणना हुई थी तो भारत में करीब 2 करोड़ विकलांग थे जिसमें से 50 लाख लगभग अपनी जो स्कूल वाली एजुकेशन है विद्यालय शिक्षा थी उसे पूर्ण कर चुके थे और बाकी 1.5 लाख के सामने शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय आवश्यकता समुचित रूप से नहीं हो पाई थी। इस कारण से फंडिंग के कारण से वित्तीय समस्या के कारण से इसलिए यह एक बड़ा टारगेट हो जाता है और इतनी फंड की व्यवस्था नहीं हो पाती। नेक्स्ट इसमें आता है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। अक्षमता युक्त और अक्षमता की समानता के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की समस्या सबसे पहले आकर खड़ी होती है। प्रशिक्षित शिक्षक की समानता और उसके लाभ के विषय में भली प्रकार जागरूक होते हैं, उनके दृष्टिकोण जो है इस तरह के बच्चों के लिए बिल्कुल उदार होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। और लेकिन इस तरह के शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षकों के कमी, प्रशिक्षित तथा योग्य शिक्षकों के अभाव होने के कारण अक्षमता और अक्षेत्रता की जो समता की अभाव है भावना हमारी वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाती, बिल्कुल भी समान नहीं हो पाती। नेक्स्ट है इसमें लोगों की अनुपयुक्त अभिवृद्धि। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को शहरी तथा मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति कुछ निम्न और हीन मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार अक्षमता युक्त बालकों को केवल उनके हमउम्र ही नहीं, परिवार, पड़ोसी, समाज के सदस्य भी सबसे मिलने जुलने और सामान्य जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लोगों की अशिक्षा, जागरूकता और जानकारी का अभाव, यहाँ तक कि संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण धारणा के कारण भी समानता की जो स्थापना है इसमें बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक कारण। बहुत से राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे कि समय समय पर सुविधाएं और शिक्षा की घोषणाएं तो की जाती है परंतु वास्तविकता जब होती है तो उससे काफी दूर होती है। ये सारी जो घोषणाएं हैं घोषणाएं ही बनी रह जाती है, ये वास्तविकता के धरातल पर खड़ी नहीं उतर पाती। इस प्रकार अक्षेत्रता के आधार पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल ये ज्यादा राजनीति
करते हैं और क्षेत्रीयता की भावना का राजनेता से सिर्फ क्या करते हैं, वोटिंग के कारण अपने उद्देश्यों की स्वार्थों की सिद्धि करते हैं, धरातल पर जो भी उनकी घोषणाएं करते हैं उन्हें पूरा नहीं करते। इसलिए समानता की जो हमारी भावना है, समानता जो है क्षमता और क्षेत्रीयता के सामने समानता की जो समस्या है, समस्या भी बनी रह जाती है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना। इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, इसमें हर व्यक्ति मौलिक रूप से समान है। समानता की संवैधानिक अवधारणा की पग पर अवहेलना की जाती है। इसी कारण बहुत सारे प्रावधानों के पश्चात भी एक्शन और क्षेत्र भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसमें पृथक विधान विभाग और आवश्यक उपकरणों का अभाव। एक्शन लोगों के लिए विशिष्ट विधान विभाग का होना बेहद आवश्यक है, परंतु इस तरह के विधान विभाग की बहुत ज्यादा जो संख्या है बिल्कुल सीमित है। इस तरह से जो शिक्षण विधियां हैं, नवाचार है, भ्रमण इत्यादि के द्वारा जाता।